Hey guys, this is Sandeep Batra and is wishing all you people a Merry Christmas and a very Happy New Year. Sir, आपके कुछ upcoming projects हैं, एकता हीरो, उसके बारे में कोई कुछ जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को? या एकता हीरो इज अ मूवी जिसमें मैंने सबसे पहले म्यूजिक किया. इट्स अगेन अ मल्टी स्टार काइंड ऑफ अ फिल्म विद यू नो एनसेंबल कास्ट एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज इंसिडेंटली आई हैड वर्कड ऑन दिस मूवी एज अ सिंगर विद मॉन्टी शर्मा हु हैड ऑल्सो हु हैज ऑल्सो डन अ फ्यू सॉन्ग्स इन द मूवी. सो इट वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड देर आफ्टर राइट नाउ करंटली आई एम वर्किंग ऑन दिस अरबाज खान मूवी कॉल्ड कमिंग बैक. उसमें मेरे दो गाने हैं. सो आई एम looking forward to that. उससे पहले भी कई सेलिब्रिटीज के साथ आप काम कर चुके हो, तो आपका अब तक का जो सफर है और एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? I started off as a singer, so I've been a part of Saregama, Fame, Gulgul and a lot of reality shows. और ये सब experiences बहुत मेरे लिए एक learning experience था सारे जो shows थे, क्योंकि हर जगह मुझे बहुत सारे top level artists के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, and I think it really helped me reach the level I'm today right now. हम सब एक बात जानना चाहेंगे, आप एक म्यूजिशियन होने के नाते अगर क्या आपकी फैमिली में भी आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो म्यूजिशियन को लेकर? मेरी फैमिली में म्यूज़िक है. मेरे ग्रैंडफादर एक्चुअली एक म्यूजिशियन सिंगर थे और मेरी मदर भी अच्छा गाती हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे म्यूज़िक फैमिली से मिला और इस वजह से बहुत फैमिली का सपोर्ट रहा. उन्होंने बचपन से सिखाया और बहुत प्रोत्साहित किया कॉम्पिटिशन्स के लिए. और मैं एंड्स के बाद आई केम बैक टू म्यूज़िक, तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा टू यू नो लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. सो आई थिंक फैमिली प्लेड अ वेरी क्रिटिकल पार्ट इन व्हाट आई एम टुडे. आपको सर कब लगा कि आपको इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी ईयर्स में? इसकी एक फ़नी स्टोरी है कि जब मैं अपने फाइनल एग्जामिनेशंस दे रहा था इंजीनियरिंग के, तो मुझे ध्यान है कि जब मैं एग्ज़ाम देने बैठ रहा था तो उस टाइम मैं आंसर सोचता था और मेरे दिमाग में जो है ना गाने बजते थे. तो आई थिंक दैट वाज द टाइम आई रियलाइज दैट इफ़ आई डोंट डू म्यूज़िक इन लाइफ आई नॉट बी हैप्पी. सो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई ओनली वॉन्ट टू डू म्यूज़िक इन लाइफ एंड आई नेवर ऑप्ट फॉर अ जॉब दैट आई डोंट लव डूइंग. आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगलिंग करना पड़ा था इसमें? मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैं नहीं कहता करना पड़ा, बिकॉज दैट वॉज माई दैट वॉज द टाइम दैट आई वॉज ग्रोइंग, यू नो आई वॉज ग्रोइंग एज अ आर्टिस्ट. तो जब आई वॉज इन दिल्ली, तो आफ्टर इंजीनियरिंग आई वॉज स्टार्टिंग म्यूज़िक फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स एंड साथ में मैं अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा था. एंड उसके बाद फेम गुरुकुल हैपेंड विच गेव मी अ फेस वैल्यू एंड आफ्टर दैट पीपल न्यू मी. सो देन आई वॉज साइन बाई म्यूज़िक लेबल एंड आई डिड एल्बम्स एंड ऑल दैट हार्ड जितना लोग करना पड़ता है, बिकॉज यू नो आई गॉट दिस रिकग्निशन फ्रॉम टेलीविजन. आज के जनरेशन में काफ़ी स्ट्रगलिंग करना पड़ता है, स्पेशली जो न्यू कॉमर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा. उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहोगे? सी आई पर्सनली फील दैट आज जो इंडस्ट्री है वो बहुत ओपन है, बहुत खुली हुई है. आज लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज देर आर सो मेनी रियलिटी शोज दैट हैपन, पहले ये नहीं होते थे. सो इफ़ यू आर गुड एंड यू कैन बी ऑन वन ऑफ दिस शोज, सो पीपल इंस्टेंटली नो दैट यू आर गुड, यू नो. सो आई डोंट थिंक इट्स एज मच एज अ स्ट्रगल टू बिगिन विद, बट या इवेंचुअली ओनली द पीपल हु आर टैलेंटेड एंड हु हैव द टैलेंट वुड सर्वाइव. रेस्ट जो शौकिया करते हैं आई थिंक दे जस्ट फिजल आउट विद टाइम, यू नो दे डोंट गो इन अ लॉन्ग रन. बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिग बॉस यार आई एम फॉलोइंग ऑन एंड ऑफ, बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी कभी लगता है बहुत स्टूपिड है कि हम लोग सब देख रहे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन इमोशंस, यू नो कि वी बीइंग ह्यूमंस कनेक्ट विद देम एज ह्यूमंस एंड वी कनेक्ट विद सर्टेन पर्सनालिटीज कैरेक्टर्स. कम हमें कोई अच्छा लग जाता है, कोई लगता नहीं यार ये बुरा है. ओवरऑल सी इट्स अ शो, इट्स एन एंटरटेनमेंट शो, सो आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन कौन कैसा है. इट्स अ ग्रेट शो एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. आई से अब तक का आपका फेवरेट कौन है अभी तक? बिग बॉस में मेरा जो मुझे लगता है यू नो हु शुड विन एंड हु इज डूइंग वेल, इट्स इधर विकास और पुनीश और शिल्पा आई बिलीव. कोई मैसेज? आई जस्ट विश कि आप अच्छा खेल रहे हैं. 17 कैसा गया और 2018 में क्या प्लान किया है? वो तो बाहर कर रहे हैं.
किसके लिए डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली, नए प्रोजेक्ट्स पे काम किया. मुझे इस बारी इंटरनेशनल बहुत टूर करने का मौका मिला फॉर माय शोज़. एंड 2018 और भी कमाल का होने वाला है, बिकॉज मूवीज़ आने वाली हैं मेरी जो जिनमें मैंने म्यूज़िक दिया है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट राइट नाउ. एकता हीरो का जो एंथम सॉन्ग था जो मैंने कंपोज किया था, आई विल जस्ट सिंग अ फ्यू लाइंस फ्रॉम देयर.